हेलो एंड वेलकम है आप लोगों का टेक एमएम पर एक बार फिर से। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा गेमिंग इवेंट जो कि है E3, वो शुरू हो चुका है लॉस एंजलिस में। दोस्तों, E3 एक ऐसा इवेंट है जिसमें गेम डेवलपर, पब्लिशर और कंसोल मेकर अपनी आने वाली गेम्स को या फिर आने वाले प्रोडक्ट को यहाँ पर शोकेस या फिर लॉन्च करते हैं और भी बहुत से गेमिंग इवेंट को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। दोस्तों, इस बार भी काफ़ी सारी गेम्स को यहाँ पर लॉन्च किया गया, पर सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा माइक्रोसॉफ्ट के प्रोजेक्ट स्कॉर्पियो ने या फिर कहें कि Xbox One X ने। तो दोस्तों, जिसे हम प्रोजेक्ट स्कॉर्पियो कह रहे थे उसे फाइनली माइक्रोसॉफ्ट ने यहां पर लॉन्च कर दिया है और जिसका नाम दिया गया है Xbox One X। हम सब लोगों को इसका काफी समय से इंतजार था, पर फाइनली अब ये लॉन्च हो चुका है। तो चलिए नजर डालते हैं इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन पर। तो दोस्तों, Xbox One X को दुनिया का सबसे पावरफुल कंसोल कहा जा रहा है, जिसमें हमें मिलता है 6 teraflops का GPU जो कि क्लॉक है 1.172 GHz पर, 12 GB की DDR5 मेमोरी और 326 GB/s की मेमोरी बैंडविड्थ। दोस्तों, ये ट्रू 4K HDR गेमिंग को सपोर्ट करता है, साथ ही इसमें दिया गया है प्रीमियम डॉल्बी एटमस साउंड, 4K UHD ब्लूरे प्लेबैक। तो दोस्तों, इसमें सारी एक्सबॉक्स वन की जो पहले की गेम्स हैं वो इसको सपोर्ट करेंगी और साथ ही इसमें वो सारी गेम पहले से बेहतर भी चलेंगी, लोड टाइम जो है वो भी अच्छा हो जाएगा। और अगर आपके पास 4K TV नहीं है तो भी चिंता वाली कोई बात नहीं है, इसमें है सुपर सैम्पलिंग जो कि 4K गेम्स को 1080p डिस्प्ले पर भी अच्छे से प्लेबैक करके चला सकता है। दोस्तों, इसमें लगा है स्कॉर्पियो इंजन जो कि अब तक लगे किसी भी कंसोल्स में लगे प्रोसेसर से सबसे ज़्यादा पावरफुल है और उसे कूल रखने के लिए इसमें दिया गया है लिक्विड कूल वेपर चैम्बर। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा है, जितने भी एक्सबॉक्स अभी तक आए उसमें सबसे ज्यादा छोटा साइज है इसका। और दोस्तों, बात करें इसकी अवेलेबिलिटी की तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि ये जो है 7 नवंबर 2017 तक अवेलेबल हो पाएगा, वर्ल्ड वाइड इसको लॉन्च किया जाएगा। और प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस जो है तकरीबन रहेगा $499। तो दोस्तों, खैर इंडिया में ये कब तक आता है और क्या इसका प्राइस होगा ये देखने वाली बात होगी, पर मैं 100% श्योर हूँ कि इसका प्राइस इंडिया में तकरीबन भी 50,000 रुपीज़ रहने की पूरी उम्मीद है। और दोस्तों, इसके साथ ही E3 में बहुत सारी गेम्स को भी लॉन्च किया गया, जैसे कि फोर्जा 7, मेट्रो, असैसिन्स क्रीड ओरिजिन्स, नीड फॉर स्पीड पेबैक, माइनक्राफ्ट 4K, एंथम, ड्रैगन बॉल फाइटर जेड, फीफा 18, शैडो ऑफ वार, क्रीड 2, गॉड ऑफ फार 4, ओ माय गॉड, बहुत सारी गेम्स को अनाउंस किया गया है, आप खुद ही देख लीजिए।
तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो बस यहीं तक थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह की और वीडियोस के लिए, शेयर करें। और दोस्तों अगर आपका कोई भी सुझाव हो या फिर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें तो आप मुझे कमेंट में लिखना ना भूलें। दोस्तों मैं कुछ दिनों से कमेंट के जवाब नहीं दे पा रहा हूं, पर ऐसी बात नहीं है कि मैं आप सभी लोगों के कमेंट नहीं पढ़ता, पर मैं जल्दी ही कोशिश करूँगा कि जिन भी लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं, सवाल पूछे हैं, उन सभी लोगों के सवालों के जवाब मैं जल्दी से जल्दी दे पाऊं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।